सब चीजें जब ठीक हो रही तो भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन धरनों की जरूरत नहीं है, एहतजाजों की जरूरत नहीं है। ये धरने किसी तरफ भी नहीं आपको लेके जाएंगे। ये धरने जो है ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। तो पाकिस्तान को भाई अब अल्लाह ने कर्म किया है, खुदा खुदा करके अब मामला ठीक हुआ है, सही डगर पे हम चल निकले हैं, तो सब मिलकर इस गाड़ी को आगे बढ़ाओ। वज़ीर-ए-आज़म ने चश्मा एटमी बिजली घर प्लांट 3 का इफ्तिताह कर दिया। चीन के ताऊन से तैयार होने वाले इस मंसूबे से यौमिया 340 मेगावाट बिजली पैदा होगी। मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि सीपैक और तवानाई मंसूबों की तकमील से मुल्क में खुशहाली आएगी, बेरोजगारी का खात्मा होगा। मुखालफीन धरनों की सियासत छोड़ दें, तरक्की के लिए हुकूमत की मदद करें। चश्मा पावर प्लांट पर काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को 2 माह का बोनस देने का ऐलान। प्लांट में काम करने वालों की काविशें तारीख का हिस्सा बनेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ। बहुत लोगों ने आजकल ये बात की कि बड़े वादे हुए थे जो पूरे नहीं हुए, लेकिन काफी सारे वादे पूरे हुए भी हैं, अगर उनके रिजल्ट अब आने शुरू हुए। नए मंसूबों की तकमील से लोड शेडिंग का खात्मा होगा। पाकिस्तान तवील अरसे बाद 2 सिमट में जा रहा है। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का ऐवान सनत व तिजारत इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के इलाके डिफेंस की गलियों और सड़कों पर बैरियर्स हटाने का हुक्म दे दिया। यकम जनवरी से ऑपरेशन शुरू किया जाए, किसी भी गली में कोई रुकावट या सिक्योरिटी खैमा नजर न आए, अदालत उज़्मा का हुक्म। नैब के प्ली बार्गेन से मुतालिक कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बलूचिस्तान करप्शन केस में सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी की प्ली बार्गेन बदतरीन मिसाल है। पनामा केस नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के लिए खतरनाक जहर बन चुका है। एतजाज अहसन। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन जिला काउंसिल खुशाब की नशिस्त पर दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। इस हलके से मुस्लिम लीग नून की सुमैरा मलिक कामयाब हुई थी। शाम में खाना जंगी के बाइस सरहदी पना गुजीन शामी बाशिंदे सर्द मौसम में मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। शाम में दाइश की मदद नहीं की, तुर्क सदर का इल्जाम बेबुनियाद और मजाक खेज है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मार्क टोनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी, नदियों का पानी भी जमने लगा। बहाव में कमी से आवाम को मुश्किल, पीने का पानी भी नाया। बारिशें ना होने से बारानी इलाकों में गंदम की काश शदीद मुतासर। मंगला और तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल के करीब पहुंच गई। दरियाए जेहलम और चनाब में पानी की औसतन आमद 10 लाख क्यूसेक से कम होकर महज 6000 क्यूसेक रह गई। आबी जखायर में मौजूदा पानी फसलों को सैराब करने के लिए नाकाफी है, अरसा ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड साजी का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 47,400 पॉइंट्स की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। ये गाड़ी धक्के से चलती है, ये गाड़ी है या गवर्नमेंट? तुम्हारी इस बेहतरीन सी गाड़ी के साथ एक बेहतरीन सी सेल्फी होनी चाहिए। अब क्या मसला है? पापा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी चोरी करने वाले को 1,000 रुपए इनाम मिलेगा। आज एंटरटेनमेंट के मकबूल आम ड्रामा सीरियल के किरदार बेहतरीन ने गाड़ी तो खरीद ली है, लेकिन अब बेहतरीन इससे छुटकारा चाहती हैं। क्या बेहतरीन गाड़ी से छुटकारा हासिल कर पाएंगी? बेहतरीन के किरदार में हिना दिलपजीर आज क्या गुल खिलाएंगी? ये नाज़रीन देख सकेंगे आज शब 8 बजे आज एंटरटेनमेंट पर। और बरतानवी शहजादी केट मिडिलटन के मुतालिक अनोखा इंकशाफ। डेली मेल ने हाथ की मुख्तलिफ उंगलियों की पट्टी में जकड़ी तस्वीर शाया कर दी। केट मिडिलटन तवील अरसे से मुख्तलिफ तकारीब में पट्टी बांधते नजर आ रही हैं।